जनपद शामली के थाना भवन क्षेत्र में पत्नी ने प्रेम संबंधों के चलते अपने दो प्रेमियों के साथ मिलकर पति की हत्या को अंजाम दे दिया था, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए पत्नी सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि संजीव की पत्नी का गांव के ही मुकेश व सोनू के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। मृतक की पत्नी अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी, जिसके लिए पति को रास्ते से हटाने के लिए पत्नी ने 26 जनवरी की रात मुकेश व सोनू के साथ मिलकर संजीव की हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगाने के लिए पास के ही एक खेत में डाल दिया, जिस पर पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। वहीं पूरे मामले के खुलासे के बाद क्षेत्र में हत्या चर्चा का विषय बनी हुई है। देखिए, जनपद शामली के थाना भवन थाना क्षेत्र में 27 जनवरी को एक हत्या हुई थी संजीव नामक व्यक्ति की, जिसके संबंध में उसमें मुकदमा पंजीकृत था। इस घटना का अनावरण करते हुए सीओ थाना भवन के नेतृत्व में थाना भवन पुलिस द्वारा तीन अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक सोनू है, एक इसमें मुकेश है तथा जो मृतक है उसकी पत्नी रानी, इसकी भी इसमें गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ के दौरान जो प्रकरण का खुलासा हुआ है, इसमें जो मृतक की पत्नी है रानी, उसके पूर्व में प्रेम संबंध रहे हैं जो शेष दो अभियुक्त हैं इसमें सोनू और मुकेश उनसे, और वो अपने पति से तंग थी और किसी भी तरह से उससे छुटकारा पाना चाहती थी। इसमें जो एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है सोनू और रानी, ये लोग आपस में शादी करना चाहते थे, जिसमें मृतक संजीव रास्ते का रोड़ा बन रहा था। इसको कम से कम 15-20 दिन पहले से ये लोग षड्यंत्र कर रहे थे कि किसी तरह से इसको हटाना है, और 26 जनवरी को जब वो खेत में मौजूद था तो मृतक की पत्नी द्वारा इन दोनों को फोन पे सूचना दी गई कि इस तरह से वो वहां अकेले है और आज मौका अच्छा है, ये घटना कर दो। फिर दोनों वहां पर पहुंचे, इन लोगों ने मृतक के साथ बैठ के शराब पी, उसको खूब शराब पिलाई, जिससे वो काफी नशे की हालत में हो गया, और फिर उसका फायदा उठाते हुए गला घोट के वहीं पे उसकी हत्या कर दी तथा शव खींच के खेत में ठिकाने लगा दिया।